नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। जीएमडीसी ने अंबाजी खनन पट्टे में भूवैज्ञानिक अध्ययन और जमीनी डिजाइन का कार्य शुरू किया। मुंबई अहमदाबाद गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक प्रमुख खनन पीएसयू उद्यम और देश के सबसे बड़ा लिग्नाइट विक्रेता ने गुजरात के उत्तर पूर्व में स्थित अंबानी खनन पट्टे में अपने पट्टे और उसके आसपास 1400 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के लिए भूवैज्ञानिक अध्ययन की जमीनी डिजाइन का कार्य शुरू किया है। अंबानी में बेस मेटल और रिजर्व 2030-34 तक 5 मिलियन टन तक तांबे की संभावित वैश्विक कमी से निपटने की महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व रखता है। अंबाजी साइट की कीमतों धातुओं की अल्प मात्रा के साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉलीमेटेलिक जमा होने की उम्मीद है और ये बेस मेटल्स में जीएमडीसी की उपस्थिति को बढ़ाएगा और अपने खनिज पोर्टफोलियो में और विविधता लाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। ये रिजर्व अतिरिक्त रूप से उभरते और विकसित देशों में ईवी अपनाने की मांग को पूरा करेगा और धीरे धीरे तांबे को आयात को भारत की निर्भरता को कम करेगा। प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अवलोकनों से यह संकेत मिल रहे हैं कि अंबाजी के भंडार इंडस्ट्री ऑफ बेस्ट मेसिव सल्फाइड शैली है। IHMS भंडार सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की अल्प मात्रा के साथ साथ सीसा जस्ता और तांबे सहित आधार धातुओं के प्रमुख स्रोत है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड भारत की अग्रणी खनन खिलाड़ियों में से एक है। यह गुजरात सरकार का एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के पास वर्तमान में कच्छ दक्षिण गुजरात और भावनगर क्षेत्र में स्थित 5 परिचालन लिग्नाइट खदानें हैं। ये कथित तौर पर देश में लिग्नाइट का सबसे बड़ा व्यापारी विक्रेता है।